क्या आप भी अपने सर में मौजूद खुश्की सिकरी की वजह से परेशान हैं, जिसको हम रोसी भी कहते हैं, खुश्की भी कहते हैं, सिकरी भी कहते हैं, कंघी करते हैं तो भी झड़ती है, उसके अलावा भी जो है ना वो अगर सर पे हाथ फेरा जाए तो उसमें से बालों में खुश्की झड़ना शुरू हो जाती है। सर्दियों में ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत से लोगों को तो ये गर्मियों में भी रहती है, लेकिन सर्दियों में इसकी जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे मेल फीमेल दोनों को ये होती है, ये बच्चों में भी होती है कि सर में खुश्की सिकरी का होना ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में। चूंकि ये हम इसलिए भी ज़्यादा होता है कि हम एक तो ये होता है कि गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये होता है कि हम अपने सर को बहुत दिनों के बाद धोते हैं। तो अगर आप भी इसी मसले का शिकार हैं तो चलिए ये बात करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, अपने बालों का और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज़ भी लगा रहे होंगे। लेकिन एक मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि सर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो गई है, सिकरी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका क्या इलाज किया जाए? ये शैम्पू लगा लिया, वो शैम्पू लगा लिया, ये सीरम लगा लिया, वो सीरम लगा लिया, खुश्की नहीं जा रही, ये रेमेडी लगा ली, वो रेमेडी लगा ली, आपने बताई वो भी लगा ली, किसी और की भी बताई रेमेडी लगा ली, खुश्की नहीं जा रही। तो खुश्की तकरीबन जो है ना वो दो किस्म की होती है। एक जो नॉर्मल डैंड्रफ होती है हमारे सर में बनती है, बनती क्यों है पहले मैं आपको वजह बताऊंगी, आपको वजह सुननी पड़ेगी ताकि बहुत हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं। और जो सेकेंड ऑप्शन है वो हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, सेकेंड ऑप्शन के ऊपर मैं डिस्कस थोड़ा सा हम कर लेते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि पहली बात तो यह है कि हमारा जो वेदर कंडीशन है सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पर वेदर कंडीशन ऐसा हो जाता है पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है, पानी हम नहीं पीते हैं, दूसरे ये कि हम किसी और के टॉवल, उसके बाद तकिया हम यूज़ कर लेते हैं, कंघी हम यूज़ कर लेते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से भी एक से दूसरे को ये खुश्की होती है, लगती है। फिर दूसरा ये कि हमें शैम्पू का नहीं पता होता है कि हमने कौन सा शैम्पू लगाना है, जो हम टीवी में इश्तहार देखते हैं हम वो शैम्पू लगा लेते हैं, किसी ने बताया ये शैम्पू अच्छे हमने वो शैम्पू लगा लिया, किसी ने बताया ये सीरम अच्छा हमने ये सीरम लगा लिया, ठीक, ये चीज़ें भी बहुत असर करती हैं इस बात पे। दूसरा ये होता है कि हम बालों में जब ऑयलिंग कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि उस ऑयल को हम साफ नहीं करते हैं, हफ्ते भर के लिए हम छोड़ सकते हैं, ऑब्वियसली वैसे भी ठंड होती है बहुत ज़्यादा तो हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। गर्म पानी के इस्तेमाल से भी खुश्की सिकरी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि हम जब सर पे बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लेते हैं और फिर हम उसको हफ्तों हफ्तों भर के लिए छोड़ देते हैं, या अगर हम सर धोते भी हैं तो हम ठीक तरह से बालों की सफाई नहीं करते, सर के ऊपर हम कैप पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ये दाढ़ी में भी खुश्की होती है और सर के बालों में बहुत ज़्यादा होती है, ये दोनों कंडीशन सेम सेम होती हैं। जब हम अपने सर की स्किन की अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फेस के ऊपर, हमारे हाथों के ऊपर, हमारे पाँव के ऊपर एक डेड लेयर जम जाती है, तो ये जो खुश्की है ये आपकी स्कैल्प के ऊपर डेड लेयर है, वो पसीना, वो गंदगी, वो चीज़ें जो हम सर में इस्तेमाल करते हैं फिर हम ठीक तरीके से उसको निकालते नहीं हैं, तो वो क्या होता है कि वो हमारे सर के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन है उसको पैदा करती है। और वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो फिर बड़े मज़े लेके इस इन्फेक्शन से फ़ायदा उठाते हैं और बाज़ औक़ात तो ज़ख़म बन जाते हैं, रैशेस बन जाती हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है, रेड रेड से स्पॉट बन जाते हैं, ये इसकी जो दाढ़ी होती है उसके अंदर भी बनते हैं और दूसरा ये कि ये सर के बालों में भी बनते हैं। अब हम चलते हैं पहले स्टेप की तरफ कि हमने जो पहला स्टेप है वो ऐसा क्या लेना है, घर की चीज़ों से कैसे ठीक हो सकता है। और मैं आपको शैम्पू भी बताऊंगी, जो शैम्पू या लोशन आप यूज़ करें वो भी अच्छा है तो वो भी आपके लिए काम आएगा। रेमेडी शुरू करने से पहले ज़रा एक काम कर दीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, उनके चैनल का नाम है ट्रैवल विद आसिफ इमरान, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि डैंड्रफ के बारे में हमें कोई वीडियो बनाकर बताएं, तो ये स्पेशल उन मेरे भाई के लिए है, ट्रैवल विद आसिफ इमरान उनके चैनल का नाम है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगी, बहुत ज़बरदस्त उनका चैनल है। मुझे खुद चूंकि व्लॉगिंग का बहुत शौक है और मैं खुद ट्रैवलिंग करती रहती हूँ, इस वजह से मैं उनके व्लॉग, जिस टाइप के व्लॉग होते हैं बड़े मैं शौक से देखती हूँ और मुझे बड़ा मैं एंजॉय भी करती हूँ और मैं मतलब वहाँ पहुँची हुई होती हूँ उन लोगों के साथ साथ, तो ये उनके लिए भी और सब लोगों के लिए है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम आते हैं अपने घर की चीज़ों की तरफ। घर की चीज़ों में हमने लेना है जी, सबसे पहले हमने लेना है, हमारे पास है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने मार्केट बेस्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, आपने घर वाला लेना है ताकि सर के अंदर जितनी प्रॉब्लम है, जितनी इन्फेक्शन है, खुजा खुजा के जो हमने बड़ा वर्क किया हुआ है
हमने उसको सीधा करना है। ठीक है जी। दूसरी चीज हमारे पास है दही। अब याद रखना कि जो दही है इससे बहुत हद तक खुश्की कम होती है। लैक्टिक एसिड होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है जब हम इसको यूज करवाते हैं ना मुख्तलिफ चीजों के साथ, जब हम मिक्स करवाते हैं तो इस क्या होता है कि बहुत हद तक जो है ना वो खुश्की कम हो जाती है इससे। मेरे अपने सर में भी यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्योंकि वो स्टेज वन की होती है इस वजह से कोई, जब मैं ये वाली रेमेडी करती हूँ, ये मेरी बहुत आजमाई हुई रेमेडी है जो आप लोगों ने यूज करनी है और फिर आप लोगों ने बताना है। उसके बाद हमने डालना है लेमन। ठीक है, जब लेमन और लैक्टिक एसिड यानी दही मिलेगा ना, तो आप यकीन करें कि जो उसमें उसकी जो एक्टिवेशन है ना वो ज्यादा हो जाएगी। और याद रखना जो विटामिन सी होता है, जो लेमन होता है, वो आपकी स्कैल्प को साफ करता है, नीट करता है। डैंड्रफ की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो वहां पर जमती है जहां पर सफाई ना की जाए। सर को साफ रखना चाहिए, महीना महीना के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है ये कोकोनट ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, सर्दियाँ ऑब्वियसली जमा हुआ है। इसके अंदर भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए हीलिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं। एलोवेरा जाएगा वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा बहुत ज़्यादा। देखो ओवर प्रोटीन स्किन भी जो होती है उस पर भी डैंड्रफ जमती है। अगर आपकी स्किन ओवर प्रोटीन है, अगर आप उसको अंडे पे अंडा लगाए जा रहे हो, अंडे पे अंडे खाए जा रहे हो, कम से कम ये चीज़ देखो कि कहीं आपकी स्किन ओवर प्रोटीन तो नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने जो चीज़ यूज़ करनी है वो हमने यूज़ करनी है सरसों का तेल। नानियों दादियों के ज़माने का आजमूदा नुस्खा है ये, आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर डालना है और ये मेरा बड़ा ही फेवरेट है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं ना कि ये खुश्की सिकरी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये हम स्टेज वन की बात कर रहे हैं, दूसरी स्टेज की बात है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम उन लोगों को एड्रेस करेंगे। ये जैतून का तेल मेरे पास है, ये स्किन से बहुत हद तक आपकी स्किन को नरम मुलायम करेगा, मॉइस्चर देगा आपकी स्किन को और आपकी स्किन के ऊपर जो नमी ख़त्म हो गई है ना, जो बहुत ज़्यादा खुश्की आ गई है बहुत ज़्यादा, ये उसको एड्रेस करेगा और आपकी स्किन को नरम करेगा, आपके बाल नरम होंगे, खुरदरापन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा उसके बाद जो एक चीज़ हमने बहुत ज़रूरी ज़रूरी डालनी है वो है मेरे पास ये है मेरे पास जायफल पाउडर। ठीक है, जायफल पाउडर मैंने एक जायफल लिया था, उसको मैंने इस तरह से छान लिया है। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये तो छान गई तो सर से निकलेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब इन चीज़ों के साथ मिक्स करके हम इसको लगाएंगे, अगर ये इसके ग्रेन्यूल सर में रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये अपना काम कर चुका होगा। और आप जब थोड़ा सा हल्का सा बालों को झाड़ेंगे ना धोने के बाद, अव्वल तो ये धोने में निकल जाएगा, और अगर आपने झाड़ना है ना जब बालों को धोने के बाद तो ऑब्वियसली ये निकल जाता है। और एक और बहुत ही ज़रूरी ज़रूरी चीज़ इसके अंदर डालनी है, हमने डालनी है नीम पाउडर। जितनी आपके स्किन के ऊपर सर में फंगल इन्फेक्शन हो रखी होगी ये नीम उसको एड्रेस करेगा और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का काम आपकी स्किन के ऊपर करेगा। अंडा भी आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ना आपने जर्दी लगानी है ना उसकी आपने सफ़ेदी लगानी है। ये जो पेस्ट बनाया है ना मैंने सर के बालों के लिए, जिनको खुश्की होगी जिनको सिकरी होगी, आप यकीन करें कि एक दफ़ा के वॉश में ही उनकी इससे ख़त्म हो जाएगी। वीक में आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करना है और छोटे बड़े तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये बच्चों को भी आप यूज़ करवा सकते हैं क्योंकि ये बहुत सेफ है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो केमिकल बेस्ड हो। ठीक है जी, इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश्की सिकरी होती है तो वो अपने शैम्पू को भी चेक करें कि वो शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपका जो शैम्पू है ना वो कैटाकोनाजोल शैम्पू जो है जिसमें 2% कैटाकोनाजोल होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होता है शैम्पू, वो खुश्की सिकरी को एड्रेस करता है, तो आपने ये शैम्पू जो कैटाकोनाजोल है 2% ये आपने यूज़ करना है, जितनी आपकी फंगल इन्फेक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। बेशक उसका थोड़ा सा शैम्पू लेके कैटाकोनाजोल का वो आपने अपने रेगुलर शैम्पू में थोड़ा सा शामिल कर लेना है, मैं ऊपर मेंशन भी कर दूंगी यहाँ पर आपको ताकि आप लोगों को लेने में आसानी हो। ठीक है जी, तो अब ये बहुत ही अच्छा सा एक हमारे पास पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ये हमने अपने जो बाल हैं चाहे धुले हुए हैं चाहे नहीं हैं, गंदे हैं जैसे मलंदे हैं, आपने उसमें इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है,
अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देने हैं। फिर उसके बाद आपने इसको रेगुलर जो पानी होगा, बहुत गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, उससे आपने इसको धोना है सर को, और फिर टॉवल ड्राई अपने सर को अपने टॉवल से रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना, आराम से किसी नरम से कपड़े से इसको साफ करना है, और फिर उसके बाद आपने उसको कॉम्ब करना है। हाँ, और हाँ मैं एक बात आपको और बता दूँ कि जो लोग अपने सर में कंघी सही नहीं करते हैं, 3 से 4 दफ़ा दिन में कॉम्ब ज़रूरी होता है ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहे और आपके बालों के से कंसर्निंग जो प्रॉब्लम है वो ना हो। खुश्की सिकरी इससे भी जान छूटेगी अगर आप लोग बालों में 3-4 दफ़ा कंघा करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम एक एक हफ्ते के लिए बाल बांध के भूल जाते हैं, हम टोपियाँ पहन लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, हम स्कार्फ पहन लेते हैं, तो हम बालों को पूछते नहीं, हम जुड़े करके ऊपर बालों को कस के बंद कर देते हैं, फिर हम ये नहीं देखते कि हमने 3 दिन गुजार दिए, 4 दिन गुजार दिए, और हम बस इसी में खुश रहते हैं कि हमारे बाल कवर्ड हैं। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखना होता है कम से कम दिन में 3 से 4 दफा, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोगों ने जो मोटे दंदाने वाली कंघी है बालों को आपने नीचे की तरफ करना है, रगड़ रगड़ के नहीं मारनी, बालों को आपने नीचे की तरफ करना है और ऊपर से कंघी करके लानी है, सर को नीचे झुकाना है और फिर आपने ऊपर से कंघी करके नीचे की तरफ लानी है ताकि आपके जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ठीक रहे। इससे भी आपकी खुश्की खत्म होगी, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ। उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इस हेयर पैक को बनाएंगे जो कि डेंड्रफ के लिए है, ये एंटी डेंड्रफ हेयर पैक है, बहुत पावरफुल पैक है, ये आपने बनाना है, इसको यूज़ करना है और अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। और हाँ, मैं इस पर एक दूसरी वीडियो भी बना रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन की जो डेंड्रफ होती है, जो डीप टाइप की डेंड्रफ होती है, जो इन रेमेडीज से भी नहीं जाती तो वो कैसे जाएगी, उसके लिए आपने वेट करना है मेरी 6 सेकंड रेमेडी का। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल, लेकिन प्लीज़ जाते हुए चैनल को लाइक ज़रूर करती जाएगा, सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा। अल्लाह हाफिज़।